जानते सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान सच्ची साधना करने वाले बाप की नजरों से निहाल आत्माओं को मॉर्निंग मॉर्निंग। तुम्हारी याद बाबा एक अनोखी शक्ति भरती है, जितनी याद उतनी शक्ति। बाबा की याद से हमें क्या क्या प्राप्तियां होती हैं इसकी तो लंबी लिस्ट निकाल सकते हैं हम। कुछ भाग्यवान बच्चे हैं जिनका ऐसा पाठ है भगवान की पालना, शिक्षा और वरदान पाने का, विश्व का मालिक बनने का। भारतीय सरकार बनाती है पंचवर्षीय योजना और ये रूहानी सरकार ने 5000 वर्ष पहले क्या प्लानिंग की, ये आज बाबा से ही सुनेंगे। अजपा जाप से हम क्या समझते हैं बाबा आज ये भी बताएंगे। अन्य आत्माओं को हम प्राणदान कैसे दे सकते हैं, जब हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं तो अन्य आत्माओं का कल्याण होता है, कैसे तो इस पर आज मनन चिंतन करेंगे। अपनी लाइफ को सदा सुखी बनाने के लिए सुनते हैं 26 अक्टूबर 2024 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, सर्वशक्तिमान बाप आया है तुम्हें शक्ति देने, जितना याद में रहेंगे उतना शक्ति मिलती रहेगी। जैसे एसी के सामने बैठ जाओ, ठंडक अपने आप महसूस होती है। हीटर के सामने बैठो, गर्माहट होती है। उसी तरह से सर्वशक्तिमान बाप से जैसे ही हम जुड़ेंगे, कनेक्ट होते हैं, तो उनकी सारी शक्तियाँ हमारे अंदर आने लगती हैं। तो जितना याद में रहेंगे हमको उतनी शक्ति मिलती रहेगी, मिलती जाएगी। प्रश्न है, इस ड्रामा में सबसे अच्छे से अच्छा पार्ट तुम बच्चों का है, कैसे? उत्तर में बाबा कहते, तुम बच्चे ही बेहद के बाप के बनते हो। भगवान ने हमें अपना बनाया, हम भगवान के बन गए। भगवान टीचर बनकर तुम्हें ही पढ़ाते हैं, तो भाग्यशाली हुए ना। ये मुरली कितनी आत्माएं सुनती हैं, भाग्यशाली आत्माएं सुनती हैं। तो विश्व का मालिक तुम्हारा मेहमान बनकर आया है, वह तुम्हारे सहयोग से विश्व का कल्याण करते हैं। हाँ, भगवान को चाहिए हमारा सहयोग। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। हाँ, क्या चाहिए भगवान को झोली में? हमारी अपवित्रता, हमारे विकार, किचड़ा। हाँ, हम पवित्रता धारण करें, ये सहयोग हमें करना है। विश्व का मालिक तुम्हारा मेहमान बनकर आया है। हाँ, कहते हैं ना, मेहमान भगवान समान होता है, या तो स्वयं भगवान ही मेहमान बनकर आए हैं। तुम बच्चों ने बुलाया और बाप आया, यही है दो हाथ की ताली। तुमने पुकारा और मैं चला आया, बहिष्ठ हथेली पर लेकर आया। देखो, हमारे निमंत्रण पर बाबा आ गए, बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। तो ये है दो हाथ की ताली। अभी बाप से तुम बच्चों को सारे विश्व पर राज्य करने की शक्ति मिलती है। कोई शक्तिशाली राजा ही राज्य कर सकता है ना, तो हम बच्चों को सारे विश्व पर राज्य करने की शक्ति मिलती है। तो ऐसा पार्ट है किसी का ड्रामा में, हमारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, शिक्षक के सामने भी बैठे हैं, और यह भी जानते हैं यह बाबा गुरु के रूप में आए हैं हम बच्चों को ले जाने। बाप भी कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, मैं आया हूँ तुमको यहाँ से ले जाने। क्यों ले जाना है बाबा को? यह पुरानी दुनिया बन गई है और यह भी जानते हो कि यह दुनिया छीछी है, तुम बच्चे भी छीछी बन गए हो। अपने को आपे ही कहते हो
पतित पावन बाबा आकर हम पतितों को इस दुख धाम से शांति धाम में ले जाओ। अभी तुम यहाँ बैठे रहते हो तो यह दिल में आना चाहिए। बाप भी कहते हैं, मैं तुम्हारे बुलावे पर निमंत्रण पर आया हूँ। सबसे ऊंचे बाप को देखो, हमने कैसी गंदी दुनिया में निमंत्रण दिया, फिर भी बाबा आ गए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो बाप याद दिलाते हैं, बरोबर तुम बुलाते थे ना, आओ। अभी तुमको स्मृति आई है, हमने बुलाया है। अब बाबा आए हुए हैं ड्रामा अनुसार, कल्प पहले मिसल। वो लोग प्लान बनाते हैं ना, यह भी शिव बाबा का प्लान है। इस समय सबके अपने अपने प्लान है ना। ड्रामा में हर देखो आत्मा कैसे प्लानिंग ही कर रही है। सबका अपना अपना पार्ट है, अपनी अपनी प्लानिंग है। तो 5 वर्ष का प्लान बनाते हैं, उसमें यह करेंगे। बातें देखो कैसे आकर मिलती हैं। 5 वर्षीय योजना बनाती है सरकार। आगे यह प्लान आदि नहीं बनाते थे, अभी प्लान बनाते रहते हैं। कितनी योजनाएं बनती हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारे बाबा का प्लान यह है। क्या प्लान है? पुरानी दुनिया को हमारे सहयोग से नई दुनिया बनाना है। तो ड्रामा के प्लान अनुसार 5000 वर्ष पहले मैंने यह प्लान बनाया था। तुम मीठे मीठे बच्चे जो यहाँ बहुत दुखी हो गए हो, विश्यालय में पड़े हो, अब मैं आया हूँ तुमको शिवालय में ले जाने। वह शांति धाम है निराकारी शिवालय, और सुख धाम है साकारी शिवालय। शिवालय शिव प्लस आलय, शिव के रहने का स्थान, शिव का घर, शिव के द्वारा स्थापन किया हुआ संसार। तो साकारी शिवालय और शांति धाम हो गया निराकारी शिवालय, सुख धाम है साकारी शिवालय। तो इस समय बाप तुम बच्चों को रिफ्रेश कर रहे हैं। तुम बाप के सम्मुख बैठे हो ना। कैसे रिफ्रेश होते हैं हम? ज्ञान और योग से। बुद्धि में निश्चय तो है, बाबा आया हुआ है। बाबा अक्षर बहुत मीठा है। उस दिन भी बताया ना, माँ सबको मीठी लगती है। बा गुजराती में कहते हैं ना माँ को, बा तो बा बा, देखो कितना मीठा, माँ से भी मीठा। तो बाबा अक्षर बहुत मीठा है, यह भी जानते हो हम आत्माएं उस बाप के बच्चे हैं, फिर पाठ बजाने के लिए इस बाबा के बनते हैं। कितना समय तुमको लौकिक बाबाएं मिले हैं, सब कुछ संगमयुग की यादगार है। तो देखो भक्ति में भी कितने बाबाएं हो गए हैं। सतयुग से लेकर सुख और दुख का पाठ बजाया है, और कितना समय तुमको लौकिक बाबाएं मिले हैं। शरीर के पिता भी तो है ना बाबा, भक्ति में भी देखो साधु संन्यासी वो भी बाबा, अब मिले हैं असली बाबा हमें। तो सतयुग से लेकर सुख और दुख का पाठ बजाया है। अभी तुम जानते हो हमारा दुख का पाठ पूरा होता है, सुख का पाठ भी पूरा 21 जन्म बजाया है, फिर आधा कल्प दुख का पाठ बजाया। बाबा ने तुमको स्मृति दिलाई है। बाबा पूछते हैं, बरोबर ऐसे है ना? अब फिर तुमको आधा कल्प सुख का पाठ बजाना है। इस ज्ञान से तुम्हारी आत्मा भरपूर रहती है, फिर खाली हो जाती है, फिर बाप भरपूर करते हैं। तुम्हारे गले में विजय माला पड़ी है, गले में ज्ञान की माला है। कौन सी माला है? ज्ञान की माला, ज्ञान रत्नों की माला। बरोबर हम चक्र लगाते रहते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर आते हैं इस स्वीट संगम पर। इनको स्वीट कहेंगे। शांति धाम कोई स्वीट नहीं है, सबसे स्वीट है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग, क्योंकि स्वीटेस्ट बाबा अभी आया हुआ है। तो ड्रामा में तुम्हारा भी अच्छे से अच्छा पार्ट है। तुम कितने लकी हो, बेहद के बाप के तुम बनते हो। वह आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। कितनी ऊंच, कितनी सहज पढ़ाई है, कितना तुम धनवान बनते हो। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। डॉक्टर, इंजीनियर आदि
कितनी मेहनत करते हैं, तुमको तो वर्षा मिलता है, बाप की कमाई पर बच्चे का हक होता है ना। तो बाबा की प्रॉपर्टी, बाबा के खजानों पर हमारा हक है, बाबा पर ही हमारा हक है। देखो, तुम यह पढ़कर 21 जन्मों की सच्ची कमाई करते हो, वहाँ तुमको कोई घाटा नहीं पड़ता है जो बाप को याद करना पड़े। इनको ही अजपा जाप कहा जाता है। प्राप्तियों को याद करना, वर्षे को याद करना, बाबा को याद करना, स्मृति में ज्ञान रखना, ये सब क्या है? अजपा जाप। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, बाप भी कहते हैं मैं आया हूँ, दोनों हाथ की ताली बजेगी ना। चलो, हमने बुलाया, बाबा आ गए, अब हमको भी तो ताली बजानी है ना, और तो बाबा का कहना मानना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाए। पांच विकारों रूपी रावण ने तुमको पाप आत्मा बनाया है, फिर पुण्य आत्मा भी बनना है, यह बुद्धि में आना चाहिए। हम बाप की याद से पवित्र बनकर फिर घर जाएंगे बाप के साथ, फिर इस पढ़ाई से हमको माइट मिलती है, शक्ति मिलती है। देवी देवता धर्म के लिए कहा जाता है रिलीजन इज माइट, धर्म में शक्ति है। धर्म क्या? धार्यते इति धर्म, तो धारणाओं में शक्ति है। कौन से धर्म में शक्ति है? आदि सनातन देवी देवता धर्म, जब हम देवी गुणों वाले हैं, देवी संस्कार वाले हैं, तो शक्तिशाली हैं। तो बाप तो है सर्वशक्तिमान, तो बाबा से हमको विश्व में शांति स्थापन करने की ताकत मिलती है, वह बादशाही हमसे कोई छीन न सके। लेकिन हम गवा बैठते हैं, कोई छीन तो नहीं सकता, हम गवाते हैं, रावण को दे देते हैं। इतनी ताकत मिलती है, राजाओं के हाथ में देखो कितनी ताकत आ जाती है, कितना उनसे डरते हैं। एक राजा की कितनी प्रजा, लश्कर आदि होता है, परंतु वह है अल्पकाल की ताकत, या फिर है 21 जन्मों की ताकत। अभी तुम जानते हो हमको सर्वशक्तिमान बाप से ताकत मिलती है विश्व पर राज्य करने की। लव तो रहता है ना, देवताएं प्रैक्टिकल में नहीं है तो भी कितना लव रहता है, जब सम्मुख होंगे तो प्रजा का कितना लव होगा। देवताएं प्रैक्टिकल में नहीं है तो कितना लव रहता है, भक्त देखो कितना प्यार से श्रद्धा से याद करते हैं। तो जब देवताएं भी सम्मुख होंगे तो प्रजा का कितना लव होगा। याद की यात्रा से यह सब तुम ताकत ले रहे हो, यह बातें भूलो नहीं। याद करते करते तुम बहुत ताकत वाले बन जाते हो, सर्वशक्तिमान और कोई को नहीं कहा जाता, सबको शक्ति मिलती है। इस समय कोई में शक्ति नहीं है, सब तमो प्रधान है। फिर सभी आत्माओं को एक से ही शक्ति मिल जाती है, फिर अपनी राजधानी में आकर अपना अपना पार्ट बजाते हैं, अपना हिसाब किताब जब तो कर फिर ऐसे नंबरवार शक्तिमान बनते हैं। पहले नंबर में है इन देवताओं में शक्ति, यह लक्ष्मी नारायण बरोबर सारे विश्व के मालिक थे ना, तुम्हारी बुद्धि में सारा सृष्टि का चक्र है। कौन से चक्कर में फंसे हैं हम, ये देखना है? तो सब चक्करों से निकल पाएंगे कब? जब स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, सृष्टि का चक्र फिराना है। जैसे तुम्हारी आत्मा में यह नॉलेज है, वैसे बाबा की आत्मा में भी सारी नॉलेज है। अभी तुमको ज्ञान दे रहे हैं, ड्रामा में पार्ट भरा हुआ है जो रिपीट होता रहता है, फिर वह पार्ट 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा, यह भी तुम बच्चे जानते हो। तुम सतयुग में राज्य करते हो तो बाप रिटायर लाइफ में रहते हैं, फिर कब स्टेज पर आते हैं? जब हम सतयुग त्रेता में, तो बाबा रिटायर हो जाते हैं। अभी कितनी मेहनत करते हैं ना, देखो, पढ़ाने की मेहनत, रोज मुरली चलाने की मेहनत,
सबकी मनोकामनाएं पूरी करने की मेहनत। तो फिर बाबा रिटायर्ड लाइफ में रहते हैं, फिर कब स्टेज पर आते हैं? जब तुम दुखी होते हो। भक्ति मार्ग में पुकारते आए तब तक बैक स्टेज पार्ट। हाँ बाबा, अपने अपने इष्ट देवी देवताओं के थ्रू भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, और फिर जब बच्चे बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं तब बाबा आते हैं बिल्कुल स्टेज पर, सामने सम्मुख पतित साकारी दुनिया में। तुम जानते हो उनके अंदर सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है, कितनी छोटी आत्मा है, उनमें कितनी समझ रहती है, बाप आकर कितनी समझ देते हैं। फिर वहां सतयुग में यह सब भूल जाते हो, सतयुग में तुमको यह नॉलेज होती नहीं, वहां तुम सुख भोगते रहते हो, यह भी अभी तुम समझते हो। सतयुग में हम सो देवता बन सुख भोगते हैं, अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर सो देवता बन रहे हैं। यह ज्ञान बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है, किसको समझाने में खुशी होती है ना, तुम जैसे प्राणदान देते हो। अज्ञान के कारण सभी आत्माएं मूर्छित हैं, संजीवनी बूटी है ये ज्ञान। बाबा का पता बताना, बाबा के बारे में सबको जानकारी देना, ये है जैसे कि मूर्छित आत्माओं को सुरजीत करना, प्राणदान देना। कहते हैं ना, काल आकर सबको ले जाते हैं, काल आदि कोई है नहीं, या तो बना बनाया ड्रामा है। हाँ, काल कुछ भी नहीं, बाबा कहते हैं बना बनाया ड्रामा है, कोई यमराज जैसी कोई चीज नहीं है, कोई नहीं है। समय आता है, आत्मा अपने आप शरीर छोड़ देती है। तो बाबा कहते हैं यह तो बना बनाया ड्रामा है, आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ चला जाता हूँ फिर दूसरा लेता हूँ, मुझे कोई काल नहीं खाता। आत्मा तो अकाल मूर्त है ना, आत्मा को फीलिंग आती है, आत्मा जब गर्भ में रहती है तो साक्षात्कार कर दुख भोगती है, अंदर सजा भोगती है, इसलिए उनको कहा जाता है गर्भ जेल। अब कहती है बाहर निकालो, बाहर आती है तो उआ उआ, वहां की प्रॉमिस, वहां की प्रतिज्ञा, वहां का पश्चाताप वहीं रह जाता है। फिर बड़े होते हैं और फिर देखो विकर्म करने लगते हैं। तो ये गर्भ जेल है, कितना यह वंडरफुल ड्रामा बना हुआ है। गर्भ जेल में सजाए खाते अपना साक्षात्कार करते रहते हैं, सजा क्यों मिले, पूरे सबूत के साथ सजा मिलती है। साक्षात्कार तो कराएंगे ना, यह बेकायदे काम किया है, इनको दुख दिया है, ऑडियो वीडियो सब दिखाया जाएगा, फिर कोई सुनवाई नहीं है, कोई रिहाई नहीं है, कोई जमानत नहीं है, सिर्फ सजा ही सजा है। तो वहां सब साक्षात्कार होते हैं, फिर भी बाहर आकर पापात्मा बन जाते हैं, सभी पाप भस्म कैसे होंगे। सो तो बच्चों को समझाया है इस याद की यात्रा से और स्वदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारे पाप कटते हैं। बाप कहते भी हैं, मीठे मीठे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों, तुम 84 का यह स्वदर्शन चक्र फिराएंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। चक्र को भी याद करना है, किसने यह ज्ञान दिया उनको भी याद करना है। बाबा हमको स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। जब ये याद रहेगा ना, हम ही पवित्र देवी देवता थे, तो फिर हम पाप कर्म नहीं करेंगे, और बाबा की याद से पुराने किए हुए पाप जो है वो भस्म हो जाते हैं। तो बाबा हमको स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं, बनाते तो हैं, परंतु फिर रोज रोज नए आते हैं तो उनको रिफ्रेश करना होता है। तुमको सारा ज्ञान मिला है, अभी तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं पाठ बजाने, 84 का चक्र लगाया, अब फिर वापस जाना है, ऐसे चक्र फिराते रहते हो। याद रहती है अपने 84 जन्मों की कहानी। बाप जानते हैं बच्चे बहुत भूल जाते हैं, चक्र फिराने में कोई तकलीफ नहीं है, फुर्सत तो बहुत मिलती है, फुर्सत तो बहुत है। हाँ बाबा कहते हैं ये चक्र फिराओ,
हम क्या करते हैं, मोबाइल पे स्क्रॉल डाउन करते हैं। बाबा कहते हैं फुर्सत तो बहुत मिलती है, पिछाड़ी में तुम्हारी यह स्वदर्शन चक्रधारी की अवस्था रहेगी, तुमको ऐसा बनना है। सन्यासी लोग तो यह शिक्षा दे नहीं सकते, स्वदर्शन चक्र को खुद गुरु लोग ही नहीं जानते। जो जानते नहीं तो वो बताएंगे क्या? वो तो सिर्फ कहेंगे चलो गंगा जी पर, कितने स्नान करते हैं, हाँ बस मेरे लिए मलाखड़े पंडाल स्नान यही सब है, जप तप। बहुत स्नान करने से गुरुओं की आमदनी होती है, घड़ी घड़ी यात्रा पर जाते हैं। अब उस यात्रा और इस यात्रा में फर्क देखो कितना है, सब बिजनेस हो गया ना। अब तो देखो भक्ति में कितना विस्तार, कितना बिजनेस। तो उस यात्रा और इस यात्रा में फर्क कितना है, यह यात्रा वह सब यात्राएं छुड़ा देती है। यह यात्रा कितनी सहज है, चक्र भी फिराओ, गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे, चारों धाम घूम कर आ गए फिर भी भगवान मिले नहीं। भारत के चार धाम कैसे याद रखें, एक आसान तरीका, बाबा रोज प्यार देते, बाबा रोज प्यार देते, बाबा बी से बद्रीनाथ, रोज रामेश्वरम, प्यार पुरी जगन्नाथपुरी, और देते द्वारका। तो भारत के चार धाम, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे, बेहद के बाप से दूर रहे। यह तुमको महसूसता आती है, वो लोग इस अर्थ को नहीं जानते, अभी तुम जानते हो, बहुत फेरे लगाते रहे, अभी इन फेरों से तुम छूट गए हो। अब तो मधुबन के चार धाम, बाबा का कमरा, कुटिया, हिस्ट्री हॉल और शांति स्तंभ। तो अभी तुम इन फेरों से छूट गए हो, फेरे लगाते कोई नजदीक नहीं आए हो और ही दूर होते गए, जिस्मानी तीर्थ यात्राएं करते दूर होते गए, अब रूहानी यात्रा करनी है, देखो बाबा के कितने करीब हो जाएंगे, अनुभव होगा। अभी ड्रामा प्लान अनुसार बाप को ही आना पड़ता है, क्यों आना पड़ता है, सबको साथ ले जाने। बाबा आकर क्या कहते हैं, बाप कहते हैं मेरी मत पर तुमको चलना ही है, पवित्र बनना। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा आ गए साथ ले जाने के लिए, कहते हैं कि मेरी मत पर चलो, पवित्र बनो, इस दुनिया को देखते हुए नहीं देखना है, जब तक नया मकान बनकर तैयार हो जाए तब तक पुराने में रहना पड़ता है। बाप संगम पर ही आते हैं वर्षा देने, बेहद के बाप का है बेहद का वर्षा, बच्चे जानते हैं बाप का वर्षा हमारा है, उस खुशी में रहते हैं, अपनी कमाई भी करते हैं और बाप का वर्षा भी मिलता है, अपना धंधा धोली संभालो, जिम्मेवारी पूरी करो और बाबा से वर्षा भी लो, याद करो, शक्ति लो, तुमको तो वर्षा ही मिलता है, वहां तुमको पता नहीं पड़ेगा स्वर्ग का वर्षा हमको कैसे मिला, वहां तो तुम्हारी लाइफ बहुत सुखी रहती है क्योंकि तुम बाप को याद कर माइट लेते हो। अभी याद करके जो शक्तिशाली बनते हैं उनकी लाइफ सुखी रहेगी, अभी याद करके शक्ति नहीं ली तो देखो सूखी सूखी लाइफ है। अभी भी संगम पर भी याद नहीं करेंगे तो सुखी के बजाय लाइफ कैसी हो जाएगी, सूखी। पाप काटने वाला पतित पावन एक ही बाप है, बाप को याद करने से और स्वदर्शन चक्र को फिराने से ही तुम्हारे पाप कटते हैं, यह अच्छी रीति नोट करो, यही समझाना बस है, पहले समझो औरों को भी समझाओ, बाबा को भी हमें यही समझाना है बस, आगे चल तुमको टिक टिक नहीं करनी पड़ेगी, हाँ ज्यादा कुछ विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टिक टिक नहीं, सार में समझाओ, एक इशारा ही बस है, बेहद के बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने आते हो, यह तो याद है ना,
और कोई की भी बुद्धि में यह बात नहीं आती। यहाँ तुम आते हो, बुद्धि में है, हम जाते हैं बाप दादा के पास। अभी 2 दिन पहले बाबा ने कहा ना, दिमाग में है, हाँ दिमाग चलता है, दिमाग में बैठा है, बुद्धि खुली है, दिमाग में समझ आया। देखो तो बुद्धि में है कि हम जाते हैं बाप दादा के पास, ये बात दिमाग में बैठा लो। उनसे नई दुनिया स्वर्ग का वर्षा लेने, हम यहाँ आते हैं बाप दादा के पास नई दुनिया स्वर्ग का वर्षा लेने। बाप कहते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, अब जो तुम्हारी जीवन हीरे जैसी बनाते हैं उनको देखो। सच्चा जौहरी कौन है? शिव बाबा। फ्लॉलेस डायमंड बनाते हैं हमें, तो उनको देखो। यह भी तुम समझते हो, इसमें देखने की कोई बात नहीं, जानना समझना अनुभव करना है बाबा को, देखेंगे क्या? निराकारी बाबा है वो, तो ज्ञान के तीसरे नेत्र से देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। यह तुम दिव्य दृष्टि द्वारा जानते हो, आत्मा ही पड़ती है शरीर द्वारा, यह ज्ञान अभी मिला है। हम जो कर्म करते हैं, आत्मा ही शरीर लेकर कर्म करती है। बाबा को भी पढ़ाना है, उनका नाम तो सदैव शिव ही है, सदाशिव। शरीर के नाम बदलते हैं, यह शरीर तो हमारा नहीं है, यह इनकी मिल्कियत है, ब्रह्मा बाबा का तन है। शरीर आत्मा की मिल्कियत होती है, जिससे पार्ट बजाती है, यह तो बिल्कुल सहज समझ की बात है। आत्मा तो सब में है, सबके शरीर का नाम अलग अलग पड़ता है, यह फिर है परम आत्मा, सुप्रीम आत्मा, ऊंच ते ऊंच है। अभी तुम समझते हो, भगवान तो एक है क्रिएटर, बाकी सब है रचना, पार्ट बजाने वाले। यह भी जान गए हो कैसे आत्माएं आती हैं, पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं रहती हैं थोड़ी, फिर पिछाड़ी में लायक बनते हैं पहले आने के लिए। यह सृष्टि चक्र की जैसे माला है जो फिरती रहती है। धीरे धीरे देखो, बाबा के बच्चे आ रहे हैं। माला को तुम फिराते हो तो सब दानों का चक्र फिरता है ना। बाबा कह रहे हैं कि जान गए हो कि आत्माएं कैसे आती हैं, पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं और फिर पीछे पीछे और आत्माएं आती हैं। तो ये जैसे सृष्टि चक्र की माला है जो फिरती है, माला को तुम फिराते हो तो सब दानों का चक्र फिरता है ना। हाँ पता है ना कौन सी आत्माएं कब आएंगी। सतयुग में भक्ति जरा भी नहीं होती, बाप ने समझाया है, हे आत्माएं मामेकम याद करो, तुमको घर जरूर लौटना है, विनाश सामने खड़ा है, याद से ही पाप कटेंगे और फिर सजाएं खाने से भी छूट जाएंगे, मर्तबा भी अच्छा पाएंगे, नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। मैं तुम बच्चों के पास कितना अच्छा मेहमान हूँ। बाबा अब देखो फिर याद दिला रहे हैं कि मैं भगवान तुम्हारा मेहमान, मैं सारे विश्व को चेंज करता हूँ, पुराने विश्व को नया बना देता हूँ। मेहमान कोई गिफ्ट लाते हैं ना, देखो बाबा नई दुनिया की गिफ्ट लाए हैं। तुम भी जानते हो, बाबा कल्प कल्प आकर विश्व को चेंज कर पुराने विश्व को नया बना देते हैं। यह विश्व नए से पुरानी, पुरानी से नई होती है ना। तुम इस समय चक्र फिराते रहते हो, बाप की बुद्धि में ज्ञान है, वर्णन करते हैं, तुम्हारी बुद्धि में भी है चक्र कैसे फिरता है। बाबा ज्ञान का सागर, तो हमें भी मास्टर ज्ञान का सागर बनना है। हाँ बाबा स्वदर्शन चक्रधारी है, बाबा की बुद्धि में पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान है, हमें फिराना है। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, उनकी श्रीमत पर हम पावन बनते हैं, याद से ही पावन बनते जाएंगे, फिर ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ भी कराना जरूरी है, पुरुषार्थ कराने के लिए कितने चित्र आदि बनाते हैं, जो आते हैं उनको तुम 84 के चक्र पर समझाते हो। क्या समझाते हो? बाप को याद करने से
तुम पतित से पावन बन जाएंगे। बाबा ने हमें समझाया, अब कितने चित्र भी हैं, कितना लिटरेचर है, अब हमें भी सबको समझाना है, सबका कल्याण करना है, बताना है कि बाबा को याद करो, तुम भी पतित से पावन बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, ज्ञान को बुद्धि में अच्छी रीति धारण कर अनेक आत्माओं को प्राणदान देना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। दूसरा, इस स्वीट संगम पर अपनी कमाई के साथ साथ बाप की श्रीमत पर चल पूरा वर्षा लेना है, अपनी लाइफ सदा सुखी बनानी है। वरदान, सर्व वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले फल स्वरूप भाव। सर्व वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले फल स्वरूप भाव। कैसे अनुभव करें कि वरदान मिलता है भगवान से, सतगुरु से वरदान मिलता है, कैसे समझे? देखो, बाबा समझाते, बाप दादा द्वारा समय प्रति समय जो भी वरदान मिले हैं उन्हें समय पर कार्य में लगाओ। सिर्फ वरदान सुनकर खुश नहीं हो कि आज बहुत अच्छा वरदान मिला, वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहते हैं। वरदान तो अविनाशी बाप के हैं, लेकिन उसे फलीभूत करना है। बाबा ने वरदान दिया, उसे फलीभूत करना है, कैसे? कार्य में लगाकर। बाबा ने कहा, शांति देवा भव, तो अब अशांति का कोई कार्य नहीं करना है, हाँ शांत रहना है, सबको शांत रखना है, शांति देनी है, तब तो ये वरदान फलीभूत होगा ना। तो बाबा कहते हैं, वरदान तो अविनाशी बाप के हैं, लेकिन उसे फलीभूत करना है, इसके लिए वरदान को बार बार स्मृति का पानी दो। बार बार याद रखो कौन से वरदान मिले हैं, वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो, तो वरदानों के फल स्वरूप बन जाएंगे। तो याद रखो कौन सा वरदान मिला है, हाँ मास्टर सर्वशक्तिमान का वरदान मिला, तो शक्तियों को समय प्रमाण, जरूरत प्रमाण यूज करना है, तब तो बनेंगे ना मास्टर सर्वशक्तिमान। तो इसके लिए वरदान को बार बार स्मृति का पानी दो, वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो, तो वरदानों के फल स्वरूप बन जाएंगे। बीज को देखो, धूप पानी सब मिलता है, फिर बड़ा होके ऐसा वृक्ष बन जाता है, फल देता है। स्लोगन, विशेषताएं प्रभु प्रसाद हैं, इन्हें सेवा में लगाओ, बांटो और बढ़ाओ। प्रसाद सबको बांटकर खाते खिलाते हैं ना, तो विशेषताएं प्रभु प्रसाद हैं, इन्हें सेवा में लगाओ, बांटो और बढ़ाओ। जो भी विशेषताएं हैं वो बाबा की देन है, उन्हें सेवा में यूज करना है और ये वृद्धि को प्राप्त करेंगे और भी हम विशेष आत्मा बनते जाएंगे। तो ये थी आज की मुरली, क्या याद रखेंगे? पहली बात, जितनी याद उतनी शक्ति। दूसरी बात, दो हाथ की ताली। तीसरा, प्राण दान। चौथा, फल स्वरूप। और पांचवा, प्रभु प्रसाद। ओम शांति।